हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट जो पॉइंट लेना था, जो लिया नहीं था, एरोमेटिसिटी, जो कि जीओसी 1 में कवर हो चुका है। उसके बाद में ARSE रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सेकेंड पॉइंट था जो कि ORM 2 में कवर हो चुका है। फिर थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बेंजीन पढ़ा, बेंजीन का फॉर्मेशन एंड बेंजीन की केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल, फिनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शंस में पढ़ा चुका हूँ। और टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसमें 3 रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से रिएक्शन होती है फिनॉल की, किस तरीके से समझना। एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्शन पॉसिबल है। अगर किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन की जाए इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम, दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, यहाँ कार्बन पे प्लस है, मतलब ओ माइनस बनेगा तो ये प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना, मैं बनाता हूँ। ये मान लीजिए ये ओ माइनस बना, तो यहाँ कार्बन पे प्लस बना, कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन के एच को रिप्लेस करके यहाँ आके जुड़ गया। सी एच है, आर है एंड ओ माइनस है, और जिस एच को निकाला वो एच यहाँ आ गया, ठीक है। ये अल्कोहल बना, इसी तरह से पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, सेम रिएक्शन आर एंड ओ एच, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होता है। मैकेनिज्म की कोई बात ही नहीं है। इन बेसिक मीडियम में हुआ बस इतना सा है कि फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बेसिक मीडियम में H2O का मॉलिक्यूल निकला, फिनॉल का एसिडिक एच बाहर निकला, और ये फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव हो गया, और ये हाईली रिएक्टिव वाली स्पीशीज एल्डिहाइड पर रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि कीटोन पे तो बहुत मुश्किल होती है रिएक्शन, बट एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्राउडिंग फैक्टर कम होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा तो क्या है, थोड़ा बहुत हालांकि है, हल्का फुल्का इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बहुत कोई अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट बढ़ गया। ओ एच पे तो नहीं था, लेकिन ओ माइनस पे प्लस एम इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो रिएक्शन करने लायक बन जाता है। और कहाँ रिएक्शन कर सकता है, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर भी रिएक्शन कर सकता है। तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होती है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ ये ओ माइनस, यहाँ अटैक होगा, पैरा पे अटैक करवा देता हूँ मैं, पैरा पे अटैक हुआ, ओ माइनस बना, सी एच आर एंड ओ माइनस बना, जिस ओ माइनस जिस एच को आपने निकाला है वो यहाँ आ गया, ठीक है। बेसिक मीडियम में तो ये बनेगा, फिर उसमें अलग से एसिड डाल दोगे, एसिड एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तब जाके वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो वही बना, बस रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग है। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन तो यही है, जैसे मैंने पहला बनाया और तो भी वैसे ही बनेगा। एसिडिक मीडियम में क्या होता है वो बताता हूँ, यहाँ तक लिख लो, इसे मिटा रहा हूँ मैं। मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, मैंने मिटा दिया यार। बी पॉइंट लिखिए,
mechanism in acidic medium. लिखिए एक मिनट. हाँ, एसिडिक मीडियम में किस तरह का मैकेनिज्म है, सुनना. रिएक्शन कुछ इस तरह की है कि ये रहा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस आएगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर. यहाँ आ गया H प्लस, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह की R सी ओ एच एच एंड प्लस. इलेक्ट्रोफाइल हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिखाई दे रहा होगा इजीली. एक्चुअली एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है एसिड. एसिड का जब H प्लस यहाँ आया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ गया, इस कारण से वो अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा. अब वो मुझे बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाना है कि ये बेंजीन पे जाकर जुड़ जाएगा इस तरीके से. आर सी एच ओ एच ये प्लस है, ये प्लस जाकर इलेक्ट्रोफाइल की तरह आके जुड़ गया, एच प्लस को निकाल दिया यहाँ के और क्या बन जाएगा फाइनली, डायरेक्ट बना देता हूँ, सी एच आर एंड ओ एच और H प्लस बाहर निकल गया. ठीक है, सेम ऐसा कैसा पैरा प्रोडक्ट भी इसमें बन जाता है. अब कई बार ऐसा भी होता है कि एसिडिक मीडियम में एक्सिस में अगर ले लिया तो यहाँ से एसिड यहाँ का OH निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और दूसरे फिनॉल पे भी रिएक्शन हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है. जैसे ये फिनॉल है और फिनॉल के टू मॉलिक्यूल लिए और इस एल्डिहाइड का वन मॉलिक्यूल लिया, मान लीजिए 2:1 में रिएक्शन किया तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस पर रिएक्शन किया, H प्लस यहाँ आएगा, मैंने बताया तो दिया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्शन होगी, ये प्रोडक्ट बना. ध्यान से सुनना एक मिनट, ये प्रोडक्ट बना पैरा प्रोडक्ट, मेजर वाला प्रोडक्ट मैं आ रहा हूँ. फिर एसिड आया, एसिड का H प्लस यहाँ आया, OH को निकाला, फिर कैटायन बना, और कैटायन फिर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अगेन बेंजीन इससे फिनॉल से रिएक्शन करेगा, फिनॉल के जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उससे रिएक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम में है, H प्लस आया, OH निकला, H2O निकला, H प्लस ने OH निकाला तो कैटायन यहाँ बना, फिर सुन लो कैटायन यहाँ बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल फिर पैरा पोजिशन पर आके जुड़ गया तो क्या हुआ, फिनॉल की इस पैरा पोजिशन पर यहाँ से भी OH निकला और ये पैरा पोजिशन पर, इस तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं. रिएक्शन पर डिपेंड करता है किस तरह से रिएक्शन करा रहे हैं, कहने का मतलब इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. ठीक है ना, लिखिए नेक्स्ट. इसी में एक फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन आती है, उसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं, लिखो इसे मैं मिटाऊंगा. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स में ही फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन आती है जिसे लेडरर मानक से रिएक्शन कहते हैं. आप लिख लीजिए हेडिंग लेडरर मानस रिएक्शन. ये क्या होता है, ये रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, है तो एल्डिहाइड बट फॉर्मेल्डिहाइड स्पेसिफिक रिएक्शन है. फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि उस पर क्राउडिंग और भी कम है ना. तो रिएक्शन तो ये है कि फिनॉल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाती है, फिर एसिडिक मीडियम तो डाल ही दिया जाता है, डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट एंड बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है. तो फिनॉल की पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था वो टूट गया, माइनस बने, यहाँ प्लस बनेगा, प्लस ने इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बॉन्ड बना लिया, तुम्हें तरीका बता दिया. ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे. पैरा प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर ये होगा. ठीक है, अगर 1:1 के रेशियो में लिए गए हैं तो CH2OH ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे, यही प्रोडक्ट बनेंगे. लेकिन मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में लिया गया है, ज्यादा अमाउंट में लिया गया है, उस केस में याद रखिएगा रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल सी है, अभी बता भी दिया मैकेनिज्म मैंने कि फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है
है ना, ये वन है ये टू है, या वन टू, तुम टू समझ लो, चलो वन इज टू, टू के रेशियो में है, तो रिएक्शन करने पर ये वाला कंपाउंड भी बनता है ना, तो ये वाला कंपाउंड भी बनता होगा, और साथ में ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं जिसमें दो दो सी एच टू ओ एच ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन तीन वाले भी जुड़ सकते हैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड और ज़्यादा अमाउंट में लिया गया है, तो सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच और ज़्यादा अमाउंट में लिया गया है, मान लो एक्सिस में है, ये एक्सिस में है, तो फिर इस तरह के कंपाउंड की, इस तरह के प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच एंड सी एच टू ओ एच, डिपेंड करता है आपने फॉर्मेल्डिहाइड कितना ज़्यादा लिया है, एक्सेस में लिया है तो इसका इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वन इज टू टू के रेशियो में लिया है, इसके दो मोल लिए हैं तो इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट तो फिर सारे ही बनेंगे, ठीक है। रिएक्शन का नेम है लेडरर मानसे रिएक्शन। अब इसको मैंने सेपरेटली क्यों बताया, रिएक्शन तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन बता ही चुका हूँ, इसलिए कि इनके जो ऑर्थो आइसोमर्स है ना, इनसे एक अलग तरह का पॉलीमर बनता है, मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं लेडरर मानसे रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे स्पेसिफिक टाइप के पॉलीमर फॉर्मेशन किए जाते हैं, ठीक है। लिखिए इसे, इसे लिखो, मैं मिटाता हूँ, इसे लिख लिया होगा, मिटा रहा हूँ, पॉज करने के चक्कर में नहीं पढ़ना। लिखिए प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, can form various type of polymers, ठीक है। जैसे एक लीनियर पॉलीमर की बात करूं, लीनियर पॉलीमर है नोवालेक, नोवालेक जिसे रिसोल भी कहा जाता है, रिसोल, रिसोल है ना, ये एक लीनियर पॉलीमर है, किससे बनाया जाता है, इसके ऑर्थो आइसोमर से बनाया जाता है, ये रहा ऑर्थो आइसोमर, ऑर्थो आइसोमर एसिडिक मीडियम में आगे पॉलीमराइजेशन किया, एच प्लस आएगा, इस ओ एच को निकालेगा, केटाइन यहां बनेगा, अब किसी स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन कराई है, फिर ये केटाइन दूसरी बेंजीन रिंग पर अटैक करे, और ऐसे ये बेंजीन रिंग, जैसे देखो समझो ये वाला आइसोमर है, ये सी एच टू ओ एच है, यहाँ सी एच टू ओ एच है, एसिडिक मीडियम में यहाँ से एच प्लस ओ एच निकला, केटाइन बना, केटाइन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन की, और तो भी अटैक कर सकता है, पैरा भी अटैक कर सकता है, बट पैरा आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, फिर इसने आगे रिएक्शन की, तो इस तरह का एक पॉलीमर बनेगा आगे से आगे तक, इस तरह के पॉलीमर को क्या कहा जाता है, नोवालेक, इस कंपाउंड का नेम है नोवालेक, रिसोल भी कहा जाता है, और ये पेंट्स में यूज़ किया जाता है, नैरोलेक याद रहेगा है ना, सलमान खान, नहीं नहीं शाहरुख खान का ऐड देता है ना, शाहरुख खान ऐड देता है नैरोलेक का, तो नैरोलेक याद रखना, नैरोलेक, नोवालेक पेंट्स में यूज़ किया जाता है, लिख लेना, यूज़ इन पेंट्स, पेंट्स में भी एडिसिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ये एडिसिव मतलब ऐसे मटेरियल जिनसे, जैसे फेविकॉल, फेविकॉल एक एडिसिव है, तो एडिसिव के फॉर्म में पेंट्स में मिलाया जाता है, जिससे कि पेंट जो होता है दीवारों पे अच्छी पकड़ कर सके, किसी भी मेटल पर या जिस भी जगह पेंटिंग की जाती है, जिस भी जगह कोटिंग की जाती है, वहाँ अच्छी तरह पकड़ कर सके, तो एडिसिव के फॉर्म्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक 3D पॉलीमर बनता है ना, ये तो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, एक 3D पॉलीमर बनता है जो कि हार्ड, जिसे बेकेलाइट कहा जाता है, बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट जो होता है वो 3D पॉलीमर होता है, 3D पॉलीमर भी कह देते हैं इसे, क्रॉस लिंक पॉलीमर भी कहा जाता है, पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर,
ठीक है, स्ट्रक्चर लेडर माना सके जो प्रोडक्ट्स थे, दो CH2OH जुड़े हैं या तीन CH2OH जुड़े हैं या एक CH2OH जुड़ा है, उनके मिक्सचर से बनता है, जिसका एक थोड़ा सा पोर्शन मैं बनाने की यहाँ कोशिश करता हूँ, यहाँ बनाऊँगा, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी मुझे और छोटा बनाऊँगा क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी है। ये एक छोटा सा पोर्शन बनाने का प्रयास है मेरा। क्या होगा, OH यहाँ है, फिर CH2OH, फिर OH ने यहाँ से H निकल गया, फिर ये CH2OH कहीं और जाके जुड़ रहा है, कहीं यहाँ पैरा पोजीशन पर भी CH2OH है, वो यहाँ जुड़ गया, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर कहीं पर है, कहीं ये ऑर्थो पोजीशन, मतलब ये चेन सी बन जाती है। अभी मैं एक बिल्कुल सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ये सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा कैसा स्ट्रक्चर हो, कई बार बुक्स में इसके इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मिल सकती है, हैं सभी बेकेलाइट का स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थ्री डायमेंशनल है, ऐसे देखने में लगता है वो आपको प्लेनर है, पर प्लेनर नहीं है, ये थ्री डायमेंशनल है, इधर रिंग जा रही है किसी से किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, इस तरह से एक जाइंट नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इस कारण से ये हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, नेम है इसका बेकेलाइट, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आती है, पॉलीमर में हम लोग पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, और बेकेलाइट का यूज़ मैं बताता हूँ, बेकेलाइट का यूज़ कहाँ करते हैं, ये हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें नहीं होता, और बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और टेम्परेचर का भी, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है स्विचेज में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेज होते हैं, है ना, MCB होती है उसमें, इनमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये थोड़ा सा टेम्परेचर मिले इसको तो पिघले भी ना, और कंडक्टिविटी तो उसकी कम है ही है। प्रेशर कुकर का वो हैंडल देखा है क्या, प्रेशर कुकर में ब्लैक कलर का हैंडल, वो इसका बना होता है बेकेलाइट का, क्यों बनाया जाता है, मेल्ट नहीं होता इजीली, समझ रहे हो, तो एडिसिव का यूज, सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन लूँगा मैं, फिफ्थ रिएक्शन, इसे जल्दी से लिख लो आप, मिटा रहा हूँ मैं इसे। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी, फिफ्थ रिएक्शन है कोलबे-स्मिट रिएक्शन, सॉरी कोलबे-स्मिट रिएक्शन। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है, जैसे अभी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन की, एल्डिहाइड से रिएक्शन थी, वैसे के वैसे रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, फिनॉल की रिएक्शन की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, NaOH के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, और थोड़ा प्रेशर वेशर हीट वीट करते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता इतना, और प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थोआइसोमर पैरावाइसोमर, बहुत कम अमाउंट में बनता है, तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, जिससे स्टूडेंट्स को याद रहे कि बनता क्या है इसमें, ऑर्थोआइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, मेजर यही होगा, नाम है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म तो वही पुराना है कि बेस ने फिनॉल का एच प्लस निकाला, फिनॉल इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण स्टेबल बनता है, एच प्लस निकाला तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसके प्लस एम इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए रिंग को, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, मैंने जियो इसमें ORM1 में भी बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है, इस कारण से ये O- और इसने अटैक किया इस जगह O- क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। RDS स्टेप वही होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, आपको मैं बता भी चुका हूँ, इससे पहले जो LDH कीटोन की रिएक्शन थी, जब वो LDH जुड़ रहा था ना RDS एरोमेटिक रिंग पर, तो स्टेप RDS थी, ये वाले भी स्टेप RDS है, और क्या बना इसमें, यहाँ बना O- C डबल बॉन्ड O, HB है यहाँ पर, एक HB तो है,
एंड ओ माइनस, ठीक है, वापस एरोमेटाइजेशन होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और एच प्लस निकल गया यहां से, एच प्लस निकल गया। अब ये सोच रहा है कि मैं कहां जाऊं, कौन, ये एच प्लस, ये एच प्लस निकला है यहां से अभी अभी, और वो एच प्लस ठिकाना ढूंढ रहा है अपना कि इस ऑक्सीजन पे जाऊं कि इस ऑक्सीजन माइनस पे जाऊं। जो ज्यादा कदर करेगा उसे एच प्लस की उस पर चला जाएगा। तो आप बताओ किस पर जाएगा, इस फिनॉक्साइड के ऑक्सीजन माइनस पे जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन माइनस पे जाएगा? कहने का मतलब जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ जाएगा, तो फिनॉक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो कहने का मतलब ये एच प्लस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर हुआ, ड्राइविंग फोर्स इसका क्या है, एरोमेटाइजेशन। फिर इसके बाद में इसमें एच प्लस डाला जाता है बट लिखा नहीं जाता, बहुत सारी रिएक्शंस में लिखा हुआ नहीं है बट प्रोडक्ट यही है, इसमें एच प्लस डाला जाता है तब जाके ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो बेसिक में कार्बोक्सिलिक एसिड जीवित कैसे रहेगा, वो तो रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन हो सकता है आपको यहाँ लिखा हुआ ना मिले एच प्लस, प्रोडक्ट तो आपको यही बनाना है, ठीक है। हाँ, फिर आपका खुद का विवेक होना चाहिए कि मान लीजिए बेस लिखा हुआ है और एक ऑप्शन ऐसा भी है एनायन बनाया हुआ, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखा गया है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत नहीं मतलब 140 या 140 से ऊपर अगर टेम्परेचर ले जाएं तब पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये इसका काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है और इसका जो ऑर्थो आइसोमर होता है ना, वो इसका थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है और ये मेजर होता है 160-150 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो अभी इसमें टेम्परेचर कभी नहीं पूछा गया है इसलिए मैं टेम्परेचर की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर NaOH की जगह KOH का यूज किया जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाए, उस केस में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं होता, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों होता है, तो देखो यहां पर ये क्राउडिंग फैक्टर के कारण होता है। क्राउडिंग फैक्टर कैसे, जैसे O माइनस है उसके साथ Na प्लस भी तो होगा, तो यहाँ Na की जगह पोटेशियम होगा तो पोटेशियम वाले का साइज और ज़्यादा होगा, पोटेशियम वाले का साइज ज़्यादा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस कारण से पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। कहने का मतलब यहाँ Na माइनस की जगह के प्लस हो, Na प्लस की जगह के प्लस हो, उस केस में यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस के चक्कर में पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ, शॉर्ट नोट डाल के लिख लीजिए इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ KOH क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर, शॉर्ट में लिखे हैं सारे चीजें, इन प्रेजेंस ऑफ KOH in Kolbe's reaction para product will be major due to steric hindrance। लिखिए यहाँ तक, examples देता हूँ कुछ इसमें। अच्छा, इसमें example क्या है तो reaction phenol की, KOH से reaction, CO2 से reaction करा, दूसरी सीधी reaction है। ये जो product बना है ना salicylic acid, ये बहुत important compound है, इस कंपाउंड से कई और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनका यूज़ है, मेडिसिंस में भी उसका यूज़ किया जाता है, कई इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है ना। तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग material for many useful compounds। कौन कौन से useful compounds हैं, जैसे है aspirin, aspirin, disprin का नाम सुना होगा, ये reaction खूब पूछी जाती है, इसको लिखो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ इसे और फिर Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन करते हैं, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं जो कि इससे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं ना, इसलिए मिटा रहा हूं मैं, ये लो मिटा दिया, इतनी देर तो नहीं लगती है, तुम बैठे बैठे लिखते रहो ऐसा थोड़ा ना चलेगा, मिट रहा नहीं है यार।
ये लो लिखे लिखाई पर मैंने कपड़ा फेर दिया। हाँ रिएक्शन लिखिए। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, कोलबे स्मिट रिएक्शन नहीं है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है आपको बता दिया मैंने। OH यहां है, COOH यहां है। एसिटाइलेशन पढ़ाया था मैंने आपको, एसाइलेशन एसिटाइलेशन फिनॉल पर। अगर आपने रिएक्शन किया CH3COCl का या फिर एनहाइड्राइड की रिएक्शन पढ़ा दी ना मैंने, एसाइलेशन, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, Cl को निकालेगा। ये नहीं करेगा, इसकी बेसिक न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करता है, SN टू TH रिएक्शन होती है, अभी फ्राइज रिएजमेंट से पहले बताया था। तो ऑक्सीजन यहां अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, तो क्या बना, क्या बना, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस सी ओ ओ एच। ये है एस्प्रिन, एस्प्रिन नेम है इसका, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन का नेम तो सुना होगा, वो सरदर्द की गोली आती है, ऐड आता है ना दर्द का अंत तुरंत, वो वाला है ना, तो ये एस्प्रिन है, वही जो डिस्प्रिन में मिलती है। ये है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल है, और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब बुखार भी रिड्यूस करती है, एनाल्जेसिक भी है, मतलब पेन भी कम करती है, पेन किलर टाइप का है ना, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इन्फ्लामेटरी का मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन मतलब कहीं स्वाइलिंग वगैरह हो तो उसको भी रिड्यूस करती है। ये ब्लड थिनर भी है, ब्लड थिनर का मतलब खून को पतला कर देती है, तुरंत करती है ना, तो यहाँ इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इसका नेम भी तो लिखें पहले। एस्प्रिन इसका कॉमन नेम है, इसका कई कॉमन नेम है, IUPAC नेम मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसका कॉमन नेम लिख लीजिए, एसिटाइल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है ना, ये तो नेम है इसके। और ये यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक, है ना, एंटीपायरेटिक का मतलब लिख लेना, जो फीवर को रिड्यूस करता है, पैरासीटामोल में बताया था मैंने आपको, एंटीपायरेटिक है, फीवर को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लामेट्रिक, इन्फ्लामेट्री, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब लिख लीजिए, जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, मतलब स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। और एंटीपायरेटिक हो गया, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक, जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है, जो पेन को रिड्यूस करता है, पेन किलर, पेन रिड्यूसर, पेन किलर है ना। ब्लड का थिनर भी है, ब्लड को पतला कर देता है, हार्ट अटैक अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आता है तो उसको तुरंत सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं वो एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड को जल्दी से पतला कर देगा, है ना, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो चेंज कर देता है, इससे कि जो वेंस में जो ब्लड है कहीं पे हार्ट ब्लॉकेज वगैरह है वहाँ से ब्लड थोड़ा आर पार निकलने लगे और पेशेंट को बचाने का थोड़ा टाइम मिल जाए। अगर टाइम पे मिलती है एस्प्रिन तो हार्ट अटैक जो होता है उसमें काफ़ी मदद मिलती है, मतलब पेशेंट को बचाया जा सकता है, और तो भगवान भरोसे। ठीक है एस्प्रिन, लेकिन फिर भी एस्प्रिन है ना, ऐसा नहीं लेना चाहिए जैसे डिस्प्रिन को, जैसे मेरे सर दर्द हुआ करता था वो डिस्प्रिन है ना, पानी में डाली दो गोली एक साथ, वो झाग से निकलते थे उसमें बॉयल्स है ना, तो फिर मैं लेता था, मज़े आते थे, लेकिन किसी ने बाद में बताया कि नहीं ऐसा नहीं ली जानी चाहिए, तो कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं डिस्प्रिन, डिस्प्रिन चिल्ला रहे हैं। मैं किसी
मतलब कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, डिस्प्रिन नहीं मतलब एस्प्रिन, डिस्प्रिन नहीं बोला मैंने, एस्प्रिन। हालांकि डिस्प्रिन बैन भी हो गई है, बैन हो गई है कि या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, पहले तो ऐसे भी ले लेते थे लोग। चलो इसके बारे में बात हो गई, एस्प्रिन है, इसके बारे में इतनी देर बात की तो कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में गया होगा। अब इसकी रिएक्शन मैंने कर दिया मिथाइल एल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एस्टरीफिकेशन। पढ़ा है ना एस्टरीफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है तो एस्टर बनता है, तो वही रिएक्शन है। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, फाइनली यहाँ से OH और यहाँ का H निकलेगा, एस्टर फॉर्मेशन होगा, एस्टर फॉर्मेशन हुआ। कंपाउंड का नेम है मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का चीफ कंपोनेंट है ना, ये कहाँ मिलता है, इन ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। यार ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, हाँ उसमें यही होता है, ऑफ विंटर ग्रीन। हैंड वॉश वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक भी है ये, एंटीसेप्टिक है ना, हैंड वॉश वगैरह में, साबुनों में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इस मिथाइल की जगह फिनॉल ले लेता हूँ, मिथाइल एल्कोहल की जगह फिनॉल लेता हूँ। रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, PCl5 की प्रेजेंस में भी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, और यहाँ मिथाइल की जगह बस pH आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। कंपाउंड का नेम हो गया फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, सैलोल इसे कहते हैं, सैलोल कॉमन नेम है। इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, आयोडेक्स याद रहेगा तुम्हें, आयोडेक्स की मालिश है ना, और उससे क्या होता है, मस्कुलर पेन में काम आता है ये, तो मैं तो नहीं लिखूँगा इसे, आप लिख लो, आयोडेक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब मस्कुलर पेन रिलीवर है ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको बता दिए। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, कंप्लीट करो ये, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइज, कोलबेज स्मिट रिएक्शन है। देखो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, स्मिट रिएक्शन अलग है, केवल स्मिट रिएक्शन भी आती है आगे, अमीन चैप्टर में आए।